नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद पर कातलाना हमले की मनसूबा बंदी के मामले में वीडियो एविडेंस की कहानी क्या है, गिरफ्तार मुलजिम ने किस नोयत के इंतहाई खतरनाक इंकशाफात किए हैं, मुलजिम को किसने शेख रशीद अहमद पर हमले का पैगाम दिया था, मुलजिम के नेटवर्क के मुतल्लिक किस नोयत की इतलात मिली हैं, इस हवाले से दो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में क्या इंकशाफात किए गए हैं और शेख रशीद अहमद की रावलपिंडी में जो रिहाइश गाह है यानी लाल हवेली, वहाँ क्या चल रहा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शेख रशीद अहमद पर कातलाना हमले की मनसूबा बंदी करने वाले मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए हैं और लाल हवेली में जो वज़ीर दाखिला की रिहाइशगाह है वहाँ पर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जब लाहौर में तहरीके लब्बैक के मरकज पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऑपरेशन शुरू किया और सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन के मुतल्लिक कुछ बहुत ही हसास नोयत की वीडियोस वायरल होना शुरू हुई तो उस वक्त आम तासुर ये बना कि ये जो ऑपरेशन है जो कि यतीम खाना चौक में और लाहौर में जो तहरीके लब्बैक का मरकज है उसके अतराफ हो रहा है, इस ऑपरेशन में दर्जनों की तादाद में तहरीके लब्बैक के कारकुन जख्मी हुए हैं और तहरीके लब्बैक के कई कारकुन जाँ बहक भी हुए हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वीडियोस थीं और सोशल मीडिया पर जिस किस्म के पैगाम आ रहे थे उनसे यही तासुर बन रहा था। अब इस पूरी सूरत हाल में जो रावलपिंडी में शेख रशीद अहमद की रिहाइशगाह है उसके हवाले से भी कुछ अहम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आईं और ये जो रिपोर्ट्स थीं इन रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि एक गलतफहमी की बुनियाद पर जो लाहौर का ऑपरेशन है इसका एक बहुत ख़तरनाक रद्देअमल भी आ सकता है और उस ख़तरनाक रद्देअमल को देखते हुए ये फैसला किया गया कि लाल हवेली जो शेख रशीद की रिहाइशगाह है जो कि एक आम तौर पर अवामी मकाम समझा जाता है और जहां कारकुन बिला रोक टोक जो हैं इससे पहले आते जाते रहे हैं, वहाँ जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स फौरी तौर पर बढ़ाए गए, वहाँ पे वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए, वहाँ बारूद और असलहा वगैरह डिटेक्ट करने के लिए जो स्कैनर्स होते हैं वो भी लगाए गए और इसके साथ साथ एक तरफ तो जाहिर है कि जो मैसिव डिप्लॉयमेंट थी ऐसे एहलकारों की जो कि वर्दी में मलबूस होते हैं और इसके साथ साथ बगैर वर्दी वाले यानी सादा कपड़ों में जो मौजूद एहलकार होते हैं उनकी भी एक बड़ी डिप्लॉयमेंट की गई और बड़ी तादाद में जो ये एहलकार हैं इनको भी लाल हवेली के अतराफ तैनात किया गया ताकि अगर कोई इस तरह का एक नाखुशगवार वाकया या कोई इस तरह की ख़तरनाक प्लानिंग होती है तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट होने से पहले ही रोका जाए। अब वापस आते हैं कि शेख रशीद पर हमले के मुलजिम ने किस नोयत के इंकशाफात किए हैं, यानी वो मुलजिम जिसने शेख रशीद पर हमले की पूरी प्लानिंग की थी और एक जो पिस्टल है वो भी उससे बरामद हुआ है और इसने गिरफ्तारी के बाद जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक नोयत के इंकशाफात भी किए हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो मुलजिम है इसका पूरा जो मोबाइल डेटा है उसका रिकॉर्ड लेने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पीटीए और जो मुतलका मोबाइल कंपनी है यानी जिस मोबाइल कंपनी की सर्विस ये मुलजिम इस्तेमाल कर रहा था उस कंपनी से भी पूरा डेटा लिया गया और फिर ये तयन किया गया कि इस शख्स ने पिछले 15 दिन में किस किस को कॉल्स की, वो सारे नंबर्स ट्रेस किए गए और इसके साथ साथ ये तयन भी किया गया कि कौन कौन शख्स जो है वो इस शख्स को कॉल करता रहा और जो इनकमिंग कॉल्स थी उनका भी पूरा डेटा जो है वो इकट्ठा किया गया। इसके साथ साथ इस मुलजिम के नंबर पर आने वाले जो मोबाइल मैसेजेस हैं उनका पूरा रिकॉर्ड भी हासिल किया गया और इस मुलजिम ने जिन लोगों को मैसेज भेजे उनका पूरा जो रिकॉर्ड है उन नंबर्स का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। उसके बाद जियो फेंसिंग के जरिए ये भी पता चलाया गया कि पिछले 15 दिन में इस शख्स की लोकेशन जो है वो क्या रही, यानी उसका जो जिस मकाम पर वो शख्स जाता रहा, ये जो गिरफ्तार मुलजिम है, वो सारी लोकेशन भी जियो फेंसिंग के ज़रिए जो है हासिल की गई। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ इलाकों में जो मोबाइल टावर नस्ब हैं, उन मोबाइल टावर से भी डेटा हासिल किया गया। उसके बाद एक और काम किया कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, और वो काम ये था कि उन्होंने यतीम खाना चौक, ख़ास तौर पर जो तहरीक लब्बैक का मरकज़ है, उसके अतराफ़ के इलाके और उन इलाकों से जो मुतसिल देही इलाके हैं, वहाँ भी उन्होंने पूरा एक रिकॉर्ड चेक किया। ख़ास तौर पर ये जो 3 किलोमीटर का इलाका यतीम खाना चौक के अतराफ़ था, वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल थे, वहाँ से वीडियो फुटेज ली गई और ये चेक किया गया कि इससे पहले ये जो शख्स है, इसकी 15 दिन के अंदर किस किस्म की सरगर्मियां रहीं। यानी अगर ये शख्स जो है वो किसी और शख्स से मिलने गया है, तो सीसीटीवी कैमरों में इस शख्स के मुतल्लिक और इसकी मुलाकातों के मुतल्लिक और इसकी जो पूरी मूवमेंट थी, उसके मुतल्लिक जो है वो किस किस्म का रिकॉर्ड सामने आता है। और ये जो सारा रिकॉर्ड है, इसको फिर तहकीकात का हिस्सा बनाया गया और फिर एक इन्वेस्टिगेशन का अमल शुरू हुआ। और जब इस मुलजिम से तहकीकात शुरू हुई, तो इसने 3 खतरनाक इंकशाफात किए। एक तो इस शख्स ने ये इंकशाफ किया कि इसने मंसूबा बनाया था शेख रशीद अहमद पर हमला करने का, और इसने ये मंसूबा बनाया था कि वो शेख रशीद अहमद पर फायर भी करेगा। और यहाँ आपको ये भी बताएं कि इस शख्स के मोबाइल में जो मुख्तलिफ ऐप्स थी, उनका डेटा भी हासिल किया गया, उन तक रसाई भी हासिल की गई, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये शख्स क्या अकेला था या इसके पीछे कोई नेटवर्क था, और क्या इसको कोई मुनज़्ज़म तरीके से हदायत दी गई थी कि उसने ये जो पूरा हमले का प्लान है, इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। वापस आते हैं इस गिरफ्तार मुलजिम के इंकशाफात पर। तो इसका एक इंकशाफ तो ये था कि उसने ये एतराफ़ कर लिया कि वो तहरीक लब्बैक का कारकुन है और एक हार्ड कोर कारकुन है, ये पुलिस ज़राए का दावा है। इससे पूछा गया कि क्या तुम्हें किसी ख़ास ग्रोह ने या क्या तुम्हें तहरीक लब्बैक की मरकज़ी क़यादत ने या तहरीक लब्बैक के किसी नाजिम ने या किसी ओहदेदार ने ये हदायत दी थी या कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पैगाम पहुंचाया था कि तुमने शेख रशीद पर हमला करना है। तो इस पर इस शख्स ने यह कहा कि उसे तहरीक लब्बैक की क़यादत या तहरीक लब्बैक के किसी ओहदेदार की जानिब से ना तो कोई पैगाम दिया गया कि वो शेख रशीद पर हमला करे, ना ही इस किस्म की कोई मनसूबा बंदी जो है वो क़्यादत के लेवल पर हुई। ताहम उसने ये तो एतराफ़ किया कि वो शेख रशीद पर हमला करना चाहता था। इसके अलावा उसने ये इंकशाफ भी किया कि जब एक ऐसे वक्त में जब लाहौर ऑपरेशन हो रहा था तहरीक लब्बैक के मरकज़ के अतराफ़, और उसके बाद जब शेख रशीद अहमद लाहौर गए थे एक टीम के साथ जिसमें नूरुल हक कादरी भी शामिल थे, और वहाँ जो 2 शख्सियात मौजूद थीं, चौधरी सरवर और राजा बशारत, तो जब ये मुज़ाकराती टीम हुकूमत की तहरीक लब्बैक की मुज़ाकराती टीम के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, तो उस वक्त इस शख्स ने ये प्लानिंग की थी कि इस मुज़ाकरात के बाद जैसे ही इसको मौका मिलेगा वो शेख रशीद पर हमला करेगा, और जो इसने पिस्टल लिया था उस पिस्टल से ये फायर भी करेगा। और ये जो पिस्टल है उसके पास जो बरामद हुआ है, इस पिस्टल के मुतल्लिक भी कुछ कलीदी नोयत की मालूमात जो हैं वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हासिल की हैं। और इस हवाले से भी एक रिपोर्ट बनाई गई है कि ये जो पिस्टल है ये इसने कहाँ से लिया था, क्या ये पिस्टल कहीं से स्नैच किया गया था, कहीं से छीना गया था, और इसका लाइसेंस और सीरियल नंबर वगैरह क्या है। इस मुलजिम का तीसरा इंकशाफ ये था कि वो असल में लाहौर ऑपरेशन जो कि तहरीक लब्बैक के मरकज़ के अतराफ़ किया गया था, उस ऑपरेशन के मुतल्लिक जब कुछ वीडियो सामने आना शुरू हुई और ये तासुर बना कि यहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है, तो उस वक्त वो एक गलत फहमी का शिकार हो गया। और उस वक्त इस ऑपरेशन पर और इस ऑपरेशन के मुतल्लिक जो वीडियोस थीं उन पर इसका दिल बहुत रंजीदा था, और उसे इस बात का भी अफसोस था कि तहरीक लब्बैक को फैज़ाबाद तक यानी इस्लामाबाद का जो मरकज़ी दाखिली रास्ता है जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल होता है, जहाँ इससे पहले खादिम हुसैन रिजवी साहब की क़यादत में भी तहरीक लब्बैक ने 2 धरने दिए थे, और अब 20 अप्रैल को भी तहरीक लब्बैक ने एक धरना प्लान किया हुआ था, तो इस शख्स ने कहा कि जिस तरीके से हुकूमत ने रोका तहरीक लब्बैक को कि वो लॉन्ग मार्च ना करे और फैज़ाबाद में धरना ना दे, इस बात पर भी उसको बहुत रंज था और वो अपने तौर पर यह समझता था कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो शेख रशीद अहमद पर है। और इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि एतराफ़ किया कि वो शेख रशीद अहमद के हवाले से कुछ गलतफहमी का शिकार हो गया था और एक जज्बाती लम्हे में उसने ये फैसला किया था कि वो शेख रशीद पर हमला करेगा। अब ये जो उसका एक स्टेटमेंट आया है, जो एतराफ़ी बयान आया है, इस एतराफ़ी बयान के बाद अब पुलिस जो है वो ये कोशिश कर रही है कि ये इंश्योर करे कि ये जो पूरा मामला है इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म एफर्ट या मुनज़्ज़म कोशिश तो शामिल नहीं, या कोई ऐसा मामला तो नहीं कि ये जो पूरी हदायत आई मुबैना तौर पर, या ये जो उसने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की इस प्लान को, इसके पीछे कोई एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट तो नहीं थी। और इसके साथ साथ अब ये अपडेट भी है कि इस मुलजिम के ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमा दर्ज करके 3 मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।